फाइनली दोस्तों सौ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की मच अवेटेड फिल्म देवरा से जुड़े कुछ लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आए हैं, जिसे जानने के बाद आप भी काफी खुश हो जाओगे। तो आज की इस वीडियो में इसी फिल्म के रिलीज से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे और साथ ही यह फिल्म हम लोगों को हिंदी में देखने को मिलेगी या नहीं इस बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप भी जूनियर एनटीआर की इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। देवरा अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं कोटाला शिवा। इस फिल्म में आपको जूनियर एनटीआर के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर और सैफ अली खान लीड रोल में नजर आएंगे, जहां पर सैफ अली खान विलन के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म में आपको जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो इस फिल्म की स्टोरी समुद्र के माफिया के इर्द गिर्द घूमती नजर आएंगी, जहां पर जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगी, जिसे देखना काफी दिलचस्प होगा। वहीं बता दूं कि यह एक बिग बजट मूवी होने वाली, जिसे मेकर्स पूरे 300 करोड़ के बजट में बना रहे हैं। वहीं बात करें इस फिल्म के अपडेट की तो अभी हाल ही में इस फिल्म के मेकर्स ने फिल्म से जानवी कपूर को लुक को रिलीज किया है, जहां पे जानवी कपूर फुल ऑन देसी अवतार में नजर आ रही हैं। अब देखना होगा जानवी कपूर का इस फिल्म में क्या रोल होने वाला है। वहीं मेकर्स ने अभी कुछ दिन पहले ही एक और अनाउंसमेंट किया था, जहां पे बताया गया था कि यह फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी और इस फिल्म का पार्ट वन यानी देवरा पार्ट वन हम लोगों को अगले साल देखने को मिल जाएगी। तो बात करें इस फिल्म के देवरा पार्ट वन के रिलीज डेट की तो यह फिल्म हम लोगों को अगले साल पैन इंडिया 5 अप्रैल को थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी, जहां पर यह फिल्म हम लोगों को हिंदी में डायरेक्ट थिएटर्स में देखने को मिलेगी। तो ये थी इस फिल्म के रिलीज से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट। आप इस फिल्म को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हो हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।